आपके साथ। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा की पूर्णिया इकाई ने पार्टी के सदस्यों के साथ एक अहम बैठक संपन्न की, जिसमें बूथ स्तर पर पार्टी की मजबूती पर चर्चा की गई। पूर्णिया प्रभारी हुए बैठक में शामिल। पूर्णिया के टाउन हॉल में हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा द्वारा एक दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें पार्टी को मजबूती देने पर चर्चा की गई। इस प्रशिक्षण शिविर में बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत करने की पहल की गई। इस प्रशिक्षण शिविर में राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्णिया प्रभारी भागवत लाल बसंतरी शामिल हुए। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पूर्णिया प्रभारी ने भाजपा को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि देश में महागठबंधन की सरकार आएगी। भाजपा भागो अभियान की चर्चा करते हुए महागठबंधन की ताकत को बताया। पूर्णिया के दौरे पर इसलिए आया कि पूरे राज्य में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतनराम मांझी ने प्रत्येक जिला के लिए प्रभारी नियुक्त किया है और पूर्णिया जिला का प्रभार मुझे दिया गया है कि मैं यहाँ के संगठन को मजबूत करूँ। आपको पता है कि 2019 में हमारा लोकसभा चुनाव होने वाला है और लोकसभा चुनाव के पहले हम प्रत्येक जिला में जिला संगठन को मजबूत करते हैं करने के लिए और प्रत्येक प्रखंड में प्रखंड के जो हमारे अध्यक्ष हैं और उनका जो कार्यकारिणी है इसका मजबूत करने के लिए, फिर पंचायत का अध्यक्ष और उनको उनकी कार्यकारिणी को प्रत्येक बूथ पर हर पंचायत में जो इतना बूथ है मेरा उसमें कम से कम 5 हम अपना एक अपना हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा का बूथ कमेटी हम बनाएंगे और ये काम हम सितंबर तक पूरा करेंगे। और इसी सिलसिले में मैं आज पूर्णिया आया हूँ और पूर्णिया में जो हमारे आज बैठक है वो मुखिया कार्यकर्ता की। आप जानते हैं कि हमारा जो अभी महागठबंधन चल रहा है जिसमें कांग्रेस, राजद, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा, CPIM और जो अन्य पार्टियां हैं, ममता बनर्जी की पार्टी भी है, ये सारी पार्टियां जो 17 पार्टियां मिल करके हम लोग चुनाव लड़ेंगे इस बार लोकसभा में। और इस लोकसभा में हम शिकस्त देंगे भाजपा को हम हटाना चाहते हैं और हमारी जनता भी हटाना चाहती है, क्योंकि वो गरीब विरोधी और जो यहाँ हिंदू मुस्लिम की राइट कराता है, कभी गौ रक्षा के नाम पर, कभी मंदिर के नाम पर, कभी मस्जिद के नाम पर ये जो कर रहा है उसको हम हटाना चाहते हैं। भारत की भूमि उसके लिए नहीं है। भारत सहनशील देश है, यह नेहरू गांधी का देश है, अम्बेडकर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का देश है, जहाँ समतामूलक समाज की स्थापना हो और उसको ये बर्बाद करने पर तुला हुआ है। हमारे संविधान की जो मूल धारा है, जो प्रीएम्बल है हमारे संविधान का, जिसमें समतामूलक समाज की स्थापना की बात कही गई है, उसको ये बर्बाद करने पर लगा हुआ है। आज आप देख रहे हैं कि अभी चुनाव का समय था, हम नहीं चाहते हैं कि घुसपैठी यहाँ आवे, विदेश का आवे, हिंदुस्तानी का मोर्चा नहीं चाहता, लेकिन वक्त ऐसा है कि अभी चुनाव है, तभी इस मुद्दा को उठाने का उनका एक ही मकसद है कि हम हिंदू मुस्लिम में लड़ा दें और वह हम वोट का फायदा लें। इसलिए हम लोग इसलिए भी लोगों को आगाह करने आए हैं, इस पचड़े में आपको नहीं पड़ना है, अभी आपको एकमात्र लक्ष्य देना है कि हम कैसे अच्छा शासन ला सकते हैं। नरेंद्र मोदी झूठ बोल रहे हैं, उन्होंने कहा था काला धन लाएंगे, लेकिन काला धन नहीं लाया। उन्होंने कहा था कि हिंदुस्तान के प्रत्येक व्यक्ति के पॉकेट में 15 लाख रुपया जाएगा, उन्होंने नहीं दिया, किसी को भी नहीं मिला। उन्होंने कहा था हम 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी देंगे, उन्होंने नौकरी नहीं दिया। आज पूरा देश मरमाहत है, पूरा देश और खास करके बिहार में जो हालत हुई है, जो हमारी बच्चियों की, हमारी महिलाओं की साथ जो व्यभिचार हुआ, एक जगह नहीं हुआ, मुजफ्फरपुर में नहीं हुआ है, बल्कि अब तो ये पोल खुल रहा है, जहाँ जहाँ भी सुरक्षा गिरी है, जहाँ जहाँ भी बाल गिरी है, उन सबों में ये बात हो रही थी। ये इनके यहाँ के जो मालिक है, देश प्रांत के मालिक हैं, उनके संरक्षण में ये सब हुआ, इसलिए कि ये बरसों से चल रहा है। होटल में सप्लाई किया जा रहा है हमारी बहू बेटी को और उसके बाद उनके साथ बलात्कार हो रहा है, और इसके लिए हम लोगों का महागठबंधन ने दिल्ली में, आपने देखा होगा कि हमारे नेता जीतनराम मांझी भी गए थे और हम लोगों ने धरना दिया। हम ये चाहते हैं ये सरकार बिहार की सरकार को बर्खास्त किया जाए और इसकी जांच तो CBI से कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन यहाँ प्रेसिडेंट रूल और ये बच्चों की अस्मिता की रक्षा की, उनकी इज्जत की रक्षा की, और जिनके साथ बलात्कार हुआ है, मैं भी बताना चाहता हूँ आपको कि अभी जो मुजफ्फरपुर में हुआ है उसमें 6 औरतें महादलित के, और महादलित के ऊपर केस नहीं लगाया गया, जो हरिजन एजुकेटिंग एक्ट है
अनुसूचित जाति जनजाति अपराध नियंत्रण कानून जो है वो उस पर नहीं लगाया गया है। हम मांग करते हैं सरकार से कि उन पर यह लागू किया जाए और उनको मुआवजा दिया जाए तुरंत 8 लाख 9 लाख रुपया जो होता है, और इन बच्चों के साथ जो घटनाएँ घटी है उनको उचित मुआवजा दे, उनकी इलाज करावे, उनका रिहैबिलिटेशन का काम करें। यही हम लोग के लिए आज हम लोग पूरे प्रदेश को बताने आए हैं।